नमस्कार दोस्तों, मैं एसआर राव एग्जाम टोनिक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो जुगलबंदी की क्लास चल रही थी दोस्तों, उसमें आज हम आपको रूबरू कराएंगे नेक्स्ट जुगलबंदी की क्लास से। ठीक है, पहले वाली जो जुगलबंदी की क्लास आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर एक बार उनको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जुगलबंदी की तरफ चलते हैं, गधों की देवी। ठीक है, गधों की देवी किसको कहते हैं? ठीक है, तो वो है खलकाणी माता। ठीक है, कौन है दोस्तों? गधों की देवी खलकाणी माता। गधों की देवी खलकाणी माता है, तो गधा वाहन किस देवी का होता है? तो वो है शीतला माता। ठीक है, कौन है दोस्तों? शीतला माता। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो गधों का मेला है वो कहां लगता है? तो वो लगता है लूणियावास। लूणियावास में कहां लगता है दोस्तों? लूणियावास में। लूणियावास कहां पड़ता है? जयपुर में। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है। वहीं हाड़ोती क्षेत्र का, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, डिफरेंट है। हाड़ोती क्षेत्र का प्रसिद्ध गधों का मेला कहां लगता है? तो वो लगता है सौरसेन। सौरसेन कहां पड़ता है? बारा में। ठीक है, हाड़ोती क्षेत्र का पूछ रहा है तो बारा में, सौरसेन बारा में। ठीक है, वहीं राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो भरतपुर। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, जबकि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, दोस्तों यहां पर दोनों में अंतर है, देखिएगा गौर से। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो भरतपुर, बल्कि राजस्थान का जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, धौलपुर को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार किसको कहते हैं? अलवर को। ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को, जबकि उसी प्रकार से देखिए पूर्व राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो वो आ जाएगा दोस्तों भरतपुर। क्या आ जाएगा दोस्तों? भरतपुर। ठीक है दोस्तों, जुगलबंदी से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वॉर म्यूजियम। वॉर म्यूजियम कहां स्थित है? वॉर म्यूजियम है जो जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में। ठीक है, जो वॉर म्यूजियम है वो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, जबकि डोल म्यूजियम यानी कि गुड़ियों का म्यूजियम कहां स्थित है? यह जयपुर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, वहीं वैक्स म्यूजियम की बात करते हैं, वैक्स यानी कि मोम का म्यूजियम। ठीक है, मोम का म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहां पर है? उदयपुर। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर और नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहां पर? जयपुर में। ठीक है, उदयपुर और नाहरगढ़ जयपुर में। जबकि वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम, वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम कहां स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, जयपुर में। ठीक है, वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम की बात करते हैं तो यह जयपुर में स्थित है, एसएमएस स्टेडियम के जस्ट बाहर स्थित है। ठीक है, जिसको हम वॉक करते करते देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी जुगलबंदी की क्लास थी, कैसी लगी आपको क्लास? पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।